महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या में हो रहे इजाफे के बीच राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसमें सभी थिएटर, ऑडिटोरियम और ऑफिसेज को 31 मार्च तक 50% क्षमता से ही चलाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटों में कोरोना के 25,833 नए केस रिकॉर्ड हुए। पिछले साल कोरोना महामारी के सामने आने के बाद एक दिन में ये केसों की सर्वाधिक संख्या है। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही रात 9 बजे के बाद 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात में 8 बड़े शहरों में विद्यालय 19 मार्च से अपने परिसरों में पढ़ाई बंद करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि इन शहरों में विद्यालयों में 10 अप्रैल तक ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी होने के चलते बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। ये तबका 5 अप्रैल तक ऑन ड्यूटी रहेगा, यानी छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर पिछले दिनों जाँच में तेजी लाने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र ने उनकी हर घर राशन डिलीवरी की योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली में 25 मार्च से केजरीवाल सरकार इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वो डिब्रूगढ़ के लाहौवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी राज्य में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। ईस्ट मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी को विदा कीजिए, हम बीजेपी नहीं चाहते, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम दंगे, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि 27 मार्च को खेला होबे, बीजेपी को तो आउट होना है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। AIMIM के बंगाल संयोजक जमीरुल हसन ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि अब वो स्वतंत्र पार्टी इंडियन नेशनल लीग में शामिल होंगे, जो तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन देगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई जाति या मजहब नहीं होता। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी, दलित और निषाद समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। वहीं योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर का आरोप है कि जनता ने जिन मुद्दों के लिए बीजेपी को वोट दिया था, आज वो उन मुद्दों से भटक चुकी है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो रहा था। सेंसेक्स 642 अंक ऊपर 49,858 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 186 अंक की तेजी के साथ 14,744 के स्तर पर बंद हुआ।